के बाद फिर सवाल लेते हैं उज्जीवन फाइनेंशियल के बारे में। ये सवाल है राहुल ठाकुर जी का और इनको समझना है कि इनके पास 54 के भाव पे 550 शेयर हैं। तो अभी ये इनको 5500 रुपये का लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। दिसंबर तक का नज़रिया है इनका, तो क्या करें इसमें ये? जितने भी आपके है ना सब स्मॉल फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस जितने भी हैं ये सब करेक्टिव मोड में है। चुपचाप बाहर बैठ के इंतजार कीजिए और करेक्शन खत्म होने दीजिए। कब खत्म होगा इसका अंदाजा अभी नहीं लग सकता है, लेकिन जब तक करेक्शन खत्म नहीं होता है तब तक इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। आपने बोला कि आपके पास 54 के रेट का है। देखिए 54 के रेट का है ना, तो इसका स्ट्रक्चर तो ऐसा है कि राउंडिंग टॉप बन रहा है और राउंडिंग टॉप में लास्ट वो 43 है। अब इसका रिट्रेसमेंट वगैरह एक बार ही देखना चाहिए क्योंकि समय आ गया है कि इसको रिट्रेसमेंट से रिव्यू किया जाए। तो एक क्विक देख लेते हैं व्यू रिट्रेसमेंट में कुछ मिल जाए तो। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट में भी वही निकल के आ रहा है 43 का। तो एक्सटेंशन 43 ही निकल के आ रहा है तो उसके नीचे क्लोज या गिरा तो फिर सीधा का सीधा नीचे 38-35 वाला रेंज बनता है। 38 है 62%, लेकिन वहाँ एग्जैक्ट मेरे हिसाब से नहीं रुकना चाहिए। ये 38-35 के रेंज तक का इसका करेक्शन बन सकता है। तो ये करेक्टिव मोड में है, सेल ऑन राइज के मोड में है। सेल ऑन राइज के मोड में तब तक है जब तक अब ये प्रॉपरली 56 के ऊपर क्लोज नहीं होता है या कम से कम 51 के ऊपर क्लोज नहीं होता है, कम से कम। ये इसकी एनालिसिस है, अभी इन्वेस्टमेंट ग्रेड में नहीं है। अगर 35 से 40 के रेंज में आता है तो वहाँ पे इसकी वैल्यूएशन शुरू कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते। जी, अब 54 से ये लेकर के बैठे हुए हैं, अभी 44 पर है और आप कह रहे हैं कि 38 तक भी जा सकता है, तो ऐसे में फिर इनका नुकसान तो बढ़ते जाएगा। फिर करना क्या चाहिए? दरअसल इनका नुकसान देख करके ही मैंने इनका सवाल ले लिया। वैसे इन्होंने एक नियम तोड़ा था, हम सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि भाई अपना सवाल एक ही बार लिखिए। एक से अधिक बार आप लिखेंगे तो फिर मतलब फिर आपका सवाल लिया ही नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि इनकी स्थिति देखी तो हमें लगा कि चलो इस नियम को इनके लिए खास तौर पे एक एक्सेप्शन के तौर पे ले लिया जाए। ठीक है, तो इसमें जो सिचुएशन है, पहली चीज़ ये है कि शायद यहाँ से ये शॉर्ट कवरिंग एक बार देने के लिए रेडी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? क्योंकि बैंक इंडेक्स पर से ही 53,000 के आसपास आ गया है, अगर उसमें करेक्शन कूल ऑफ हुआ तो फिर सेंटिमेंट नेगेटिव होगा BFSI सेक्टर इटसेल्फ में। उस केस में हो सकता है कि ये फिर बहुत ज़्यादा शार्प फॉल के कैटेगरी में जाए, क्योंकि ऐसे जगह पे है यहाँ से लॉजिकली इसको बाउंस होना चाहिए, शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। शॉर्ट कवरिंग कहाँ तक आनी चाहिए? शॉर्ट कवरिंग 47 से लेके 50 तक, ये रेंज में कहीं पे भी आएगी, और आएगी भी तो वहाँ से बाई तो बनता नहीं है। तो फिर अपना अपना दिमाग लगाइए, या तो आप अपना 43 ध्यान रखिए या 47 से 50 के रेंज को वॉच कीजिए। दोनों में से जो भी होता है उसके बाद अपना फैसला जैसे लेना चाहते हैं लीजिए, लेकिन इस स्टॉक को पॉजिटिव होने के लिए मिनिमम 51 के ऊपर का क्लोज चाहिए। उसके पहले अभी ये पॉजिटिव नहीं होगा। 51 के क्लोज के मतलब आपको आपका पैसा भी मिलेगा, हो सकता है कि आपको 2 रुपये प्रॉफिट भी मिल जाए, लेकिन उसके पहले नहीं मिलेगा। जी, अच्छा, उज्जीवन पे कई लोगों ने सवाल पूछे हैं, तो एक हमारे मित्र जो दर्शक देख रहे हैं, शिवानंद चतुर्वेदी जी, ये लगभग 31 रुपये में खरीद करके बैठे हुए हैं। इन्होंने अगले कमेंट में लिखा है 30.98, 2200 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। तो इनकी तो किस्मत अच्छी है, मतलब ये नुकसान में नहीं है अभी, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं उसमें तो जो हाथ में आया हुआ पैसा है वो फिसलता चला जाएगा। हाँ, क्योंकि मैनेजमेंट में गाइडेंस दिया है शायद NIMs कॉम्प्रेस होने का, तो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा ऐसा गाइडेंस आ रहा है। और देखिए क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने का सिचुएशन क्यों आता है, अब कोई भी जो
लेंडर होता है, छोड़ दीजिए कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है या बड़ा बैंक है, एक आप सोचिए कि अगर आप ही लेंडर हैं तो क्या होता है। आप बाजार से पैसा उठाते हैं और लेंड करते हैं, एक तरीका हो सकता है, या आपके पास अपने पास जमा पूंजी है उसको लेंड कर सकते हैं। पहला वाला केस देखिए कि बहुत आपके पास बहुत पैसा बचा हुआ है, बैंक का काम क्या है, लेंडिंग ही काम है ना, तो पैसा उठा के लेंड करते हैं। तो आप पैसा उठा रहे हैं, अगर सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस है तो एक समय में जब आप पैसा जमा करते रहेंगे तो क्या होगा, बहुत लो कॉस्ट डिपॉजिट आपके पास आ जाएगा, उस पर आप मार्जिन मेंटेन करेंगे और फिर आप उसको लेंड करना शुरू कर देंगे और इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होगा। तो पहले क्या प्राइस होता है, पहले क्रेडिट प्राइस होता है, रीप्राइस होता है, डिपॉजिट बाद में रीप्राइस होता है, तो पहले क्या होगा आपका क्रेडिट मार्जिन एक्सपेंशन होगा। मार्जिन एक्सपेंशन एक बार ही हो गया, अब क्या है, अब तो बाजार में भी पैसा महंगा है क्योंकि आपके पास इतना तो बड़ा है नहीं कि आपने एक बार जमा करके रख लिया, आप लेंडिंग पूरे जीवन करते रहेंगे। अब आप क्या करेंगे, आप फिर आप बाजार से बोरो करने जाएंगे, तो जो आपका लो कॉस्ट था धीरे धीरे आप जब बोरो करने लगते हैं तो आपका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे बढ़ने लगता है मतलब आपने ऑलरेडी क्रेडिट को रीप्राइस किया हुआ था, अब आप डिपॉजिट को रीप्राइस कर रहे हैं, तो आपके मार्जिन क्या होंगे, कॉम्प्रेस होंगे, मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा। वही चीज़ होने वाला है, अब इसको आप जितना टेक्निकल टर्म में बोलना चाहें बोल सकते हैं। इसलिए आपको सारे NBFCs, SFCs, ये बैंक जितने भी हैं इन सबको थोड़ा इशू, स्मॉल फाइनेंस बैंक इन सबको आएगा। ये कब ठीक होंगे, ये एक साल के बाद ठीक होंगे, जब फिर से इंटरेस्ट रेट सॉफ्ट होना शुरू होगा और इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड थोड़ा नीचे आना शुरू होगा। इसलिए पहले क्या होगा, पहले स्टॉक प्राइस गिरेगा, फैक्टर करेगा कि अगर मार्जिन कॉम्प्रेस होते हैं, नीम्स कॉम्प्रेस होते हैं तो कहाँ तक होते हैं, स्प्रेड कॉम्प्रेस होता है तो कहाँ तक होता है, और फिर उसके बाद इसमें बाइंग आएगी। तो निष्कर्ष ये है, ये सब करेक्टिव मोड में, और यहाँ से कोई रीज़न नहीं है कि ये 6-9 महीना आपको चले, इसलिए कहीं ना कहीं एक 3 महीने के आसपास में बॉटम बना लेने चाहिए, कहाँ पता नहीं है लेकिन बन जाना चाहिए, उसके बाद इनकी राइज शुरू होगी। तो 3 महीने में कुछ भी राइज मिलता है तो निकलने का ही मौका होना चाहिए, वैल्यूएशन भी आपको सस्ते रहने ही गए हैं, तो जब चलेंगे अगले साल तो उसके पहले कभी एक बॉटम फॉर्मेशन दिख जाए तब फिर खरीदारी करनी चाहिए जी।